हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉक्टर माधव राजे एंड हमारे साथ आज दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। आईआईएम लखनऊ से ओंकार घोड़के एंड आदित्य कोकाटे। तो आज हम स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के एंड में ओंकार घोड़के इनका एक सवाल बचा था, और वो सवाल था कि लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना चाहिए, या लाइफ पार्टनर जब हमें चुनना है तो क्या क्राइटेरिया माइंड में होने चाहिए। तो डॉक्टर माधव राजे, इस सवाल के ऊपर हमारे ऑडियंस को, हमारे दो गेस्ट को आज जवाब चाहिए, और ओंकार को मैं फिर से इनवाइट करता हूँ यदि इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट ऐड करने हैं, एंड आदित्य को भी मैं इनवाइट करता हूँ इसमें स्पेसिफिक, यदि आपको और कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। ओंकार घोड़के। नहीं डॉक्टर, कुछ स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये जनरल टॉपिक के अगर आप थोड़ा थोड़ा और बात करें इसके ऊपर, तो अगर कुछ फॉलो अप होगा तो हम पूछेंगे। पहले हम थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे, और फिर अगर कुछ सवाल पैदा होते हैं तो फिर हम आपको पूछेंगे। वैसे ओके, सेम विथ यू आदित्य। हाँ, मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक रिलेटेड, अगर आप उसको भी एड्रेस कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे इंडिया में तो दो टाइप से मैरिजेस होते हैं, जैसे लव हो या अरेंज हो, तो उसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है, और आपको क्या लगता है कि व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट अपने इंडियन सोसाइटी में? ओके, ठीक है। तो शुरुआत में मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ जो ओंकार घोड़के ने दिया था कि लाइफ पार्टनर कैसे चुने, है ना? यस सर। ओके, देखो मित्रों, ऐसा है, लाइफ पार्टनर कैसे चुने इसका जवाब आम तौर पे अगर अगर कोई एनालिटिक ब्रेन का व्यक्ति हो, कोई विथ हेजिटेशन के साथ में बात करना चाहता हो, तो ये कहेगा कि ये तो सब्जेक्टिव फार्मूला है, सब्जेक्टिव सिलेक्शन है। लाइफ का पार्टनर कैसे चुनना चाहिए ये तो कोई साइकेट्रिस्ट ने बताने वाली बात नहीं है। लाइफ पार्टनर कैसा चुनना चाहिए ये तो कोई कहानीकार ने बताने की बात नहीं है, कोई ऋषि मुनि ने बताने की बात नहीं है। ये अपना अपना सिलेक्शन हो सकता है। बात बिल्कुल सही हो सकती है कि लाइफ पार्टनर कैसे चुने, ये आपका सब्जेक्टिव सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी आमतौर पे प्री मैरिटल काउंसिलिंग नाम की एक क्षेत्र है साइकोलॉजी के अंदर में, जहाँ मैरिज काउंसिलर्स प्री मैरिटल मतलब मैरिज के पहले का काउंसिलिंग करते हैं, और उसमें मैं भी कुछ हद तक के जुड़ा हूँ। भले ही मैं मैरिज काउंसिलर नहीं हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और साइकोथेरेपिस्ट हूँ, जिसमें मैं बीमारियों को ठीक करता हूँ बात कर करके या दवा दे करके। लेकिन फिर भी मैरिज होने के बाद, दिक्कत आने के बाद लोग मेरे पास में आते हैं, और कभी कभार मैरिज होने के पहले रिलेशनशिप में लोग मेरे पास में आते हैं, तो रिलेशनशिप की दिक्कतें उनकी जो मुझको एड्रेस करते हैं, मुझको उनके सॉल्यूशंस बताने होते हैं, या बहुत बार मैरिज होने के बाद में उनके जो दिक्कतें आती है उसको भी सॉल्यूशन बताने पड़ते हैं। इसीलिए भी मैं कुछ हद तक इससे कनेक्टेड हूँ, और क्योंकि मैं फिलोसॉफी में भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इसीलिए मैं लाइफ वैल्यूज़ के बारे में, मोरल्स के बारे में भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड हूँ। इसलिए मुझको लगता है कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। मुझको ऐसा लगता है मित्रों, लाइफ पार्टनर कैसा चुने ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है। हालांकि लाइफ पार्टनर चुनने तक आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि आपने सच सही किया गलत किया, इसीलिए ये दुविधा से आप हमेशा जाते रहोगे। तो ये दुविधा आपके पास में रहेगी, ये बात पहले ही मन में ठान मानिए कि हाँ, आपको थोड़ा सा ये सही है कि वो सही है, उससे शादी करूँ कि उससे शादी करूँ, ये लड़की सही कि वो लड़की सही, ऐसा आपके मन में विचार आते रहेंगे। उसका क्या कारण है पता है? देखिएगा, ऐसा है मित्रों, एरिक बर्न नाम के एक लेजेंडरी साइकेट्रिस्ट होते गए अमेरिका के, इज अ वेरी लेजेंडरी साइकेट्रिस्ट ऑफ अमेरिका, कुछ 100-150 साल पहले की बात है। उन्होंने ट्रांजैक्शन एनालिसिस नाम की एक थ्योरी रखी, एमबीए के कॉलेजेस में ये थ्योरी एक पैराग्राफ उस पर रहता है। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस का एक छोटा पार्ट है जिसको कहते हैं पीएसी थ्योरी, पी फॉर पेरेंट, ए फॉर अडल्ट, सी फॉर चाइल्ड। ये रोल्स है जो हम सब लोग प्ले करते हैं। जब भी हम में से कोई भी शादी के लिए उत्सुक होता है, शादी करने के लिए जाता है, तो आमतौर पे वो चाइल्ड का रोल प्ले करता है, मतलब फन, डिजायर,
क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को लेकर के वो अपना निर्णय लेना चाहता है। तो जब आप शादी का निर्णय लेना चाहते हो, या जब आप लड़की या लड़की कोई लड़के को चुनना चाहती है हस्बैंड के लिए, या आप वाइफ को चुनना चाहते हो, तो आपका जो चाइल्ड का रोल प्ले करने वाला दिमाग है, या चाइल्ड का रोल प्ले करने वाला जो एटीट्यूड है, वो पहले फ्रंट फुट पे आता है, ठीक है? ना कि आपका पेरेंट का एटीट्यूड, ना कि आपका अडल्ट का एटीट्यूड आता है। अगर आपका चाइल्ड के एटीट्यूड के पहले पेरेंट का एटीट्यूड आएगा, तो आपके मन में, क्योंकि पेरेंट आप कैसे पहचानोगे, पीएससी से डू एंड डोंट कहने वाले लोगों को पेरेंट का रोल प्ले करने वाले कहते हैं। अब क्योंकि आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर आपको एरिक बर्न की ट्रांजैक्शन एनालिसिस ये थ्योरी पता नहीं है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। इसलिए मैं ये बात बता दूं कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एरिक बर्न ये बताते हैं कि पी फॉर पेरेंट, पेरेंट का मतलब जो डू और डोंट बोलता है, डिस्कशन नहीं, डू दिस एंड डोंट डू दिस, कमांड देता है, वो है पेरेंट का रोल प्ले करने वाला आपके अंदर का व्यक्ति। चाइल्ड बोले तो फन, मजा, उसको कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज्यादा कंसर्न या वरीज ऐसा नहीं रहता, उसको सिर्फ मजा दिखती रहती है और कुछ हद तक क्रिएटिविटी भी रहती है। और अडल्ट, अडल्ट का रोल प्ले करने वाला बोले तो डिस्कशन करने वाला, है ना, ना मजा रखेगा अपने सामने, ना कि डू एंड डोंट्स को रखेगा, वो डिस्कशन करेगा, अपने पॉइंट सामने वाले को समझाने की कोशिश करेगा, सामने वाले के पॉइंट समझने की कोशिश करेगा, सामने वाले के शूज में अपने पैर डाल करके उसके जैसा फील करने की कोशिश करेगा, वो है अडल्ट। और मित्रों, ये बात आप याद रखिएगा कि सारी दुनिया का जो प्रोग्रेस है वो अडल्ट रोल प्ले करने वाले लोगों से होता है। तो शादी करते समय भी आपका जो चाइल्ड है, जो कि सिलेक्शन में जा रहा है, उसे आपके घर के रियल फैमिली, आपकी पहली फैमिली, जो पेरेंट रोल प्ले करने वाले नहीं, पेरेंटल एज के जो लोग हैं, उन लोगों को साथ में लेना चाहिए सिलेक्शन के साथ में, क्योंकि वो पेरेंटल एटीट्यूड से वो चीज में देखेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे डू या डोंट। आपको पूर्ण रूप से सुनने की जरूरत नहीं है उनके कहना, आप उसको प्रोसेस करेंगे बाद में, लेकिन उनके डू एंड डोंट में बहुत सारा कंसर्न रहेगा, बहुत सारे वरीज रहेंगे, जो आपको करने की जरूरत नहीं, वो कर लेंगे आपका आपका काम, और आपको कोई ना कोई जवाब दे देंगे। वो रेडीमेड आंसर आप ले लीजिए, फिर बाद में उसको प्रोसेस करने का अडल्ट रोल में जाकर के। और आपके चाइल्ड रोल में पहले पसंद कर लिया कि भैया ये लड़की मेरे को अच्छा लगती है, या ये लड़का मुझको अच्छा लगता है, अब उसको प्रोसेस करिएगा आगे पेरेंट रोल के थ्रू, पेरेंट रोल के थ्रू का प्रोसेसन हो गया, फिर आप उसको अडल्ट रोल में जाइएगा, और फिर देखिएगा यार ये मेरे ब्रांच की है कि नहीं, इसके साथ में मेरा कितना पटेगा, मेरा स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव कैसा है। जैसे कि एक साइकोलॉजी की बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं फर्स्ट बॉर्न अगर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अपनी बात कभी रखता नहीं हूँ प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे, मैं कह रहा हूँ समझने के लिए कि जो अगर मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ, तो मैंने फर्स्ट बॉर्न लड़की से शादी करना में बहुत ज़्यादा झगड़े होने की संभावना है, क्योंकि दोनों जो भी फर्स्ट बॉर्न रहते हैं, सिगमंड फ्राइड का ये कहना है, वो एम्बिशियस रहते हैं, डोमिनेटिंग रहते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों भी अगर डोमिनेटिंग हो गए तो जमेगी कैसे? हस्बैंड वाइफ में कोई तो भी डोमिनेटिंग अगर हो और दूसरा पैसिव नॉट डोमिनेटिंग हो, तो बात बनेगी, है ना? एक समय पे दोनों भी अगर रेज करेंगे अपने अपने क्वेश्चन, तो बात नहीं बनेगी। दोनों भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये होता है मित्रों, कि आपको डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के साथ में जाने की जरूरत है जो कि आपके नेचर की जो खामियां है उनको कम करने में आपको मदद करेगी, और आपकी जो एबिलिटी नहीं है वो एबिलिटी उसके पास है, ताकि वो आपके डिफिसिट को कॉम्पेंसेट कर पाएगी, ठीक है? तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे, मैं अगर समझो बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुझको कम्युनिकेशन अच्छा आता है, तो अगर मैं वक्ता हूं अच्छा, हाँ, और मैं वक्ता होने वाले या जो लड़की वक्ता है उसी से शादी करूंगा, तो हम दोनों भी डिबेटर हो जाएंगे। बच्चे पैदा होने के पहले हम तो पहले डिबेट ही करेंगे, क्योंकि हम दोनों भी बहुत अच्छे डिबेटर हैं। तो हम में अगर कोई एक डिबेटर अच्छा है, तो यार दूसरा कोई लिसनर तो चाहिए। तो मुझको शादी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए कि अगर मैं डिबेट में बहुत अच्छा माहिर हूँ, तो मुझको सुनने वाली लड़की से शादी करने की जरूरत है, जो कि सुनेगी, जो कि जिसमें बहुत धीर रहेगा, धीरज रहेगा। मेरी माँ कहती थी, शादी उस लड़की से करनी चाहिए जो बहुत धीरज वाली है, शांत स्वभाव की है, वो एकदम से उत्तेजित नहीं होती या इम्पल्सिव नहीं है, ठीक है ना? तो आपको आपके नेचर के साथ में, आपके नेचर की जो खामियां है उनको बढ़ाने वाली नहीं, उनको कम करने में मदद करने वाली लड़की से शादी करने की जरूरत है, ठीक है? लेकिन आपको ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो आपको आपकी खामियां गिना देगी। आप 50 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे, फिर आपको आपकी बीवी खामियां गिनाएंगी, वो अलग किस्सा है। लेकिन आप जवानी में आपको आपकी जवान बीवी अगर खामियां गिनाएंगी, तो शादी सफल होने की संभावना किरकिरी हो जाती है। तो आपकी खामियां और आप भी
अपने बीवी को खामियां गिनाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको समझेगा नहीं, जो खुद को समझेगा और आपको समझने में मदद करेगा। आप भी शादी के लिए तब तैयार हो जाओगे जब आप खुद को समझोगे और सामने वाले को समझने में, उनको समझने में मददगार होगे। राइट ठीक है ना, शादी में आपको सामने वाले के लिए कुछ करना है इसलिए शादी की जाती, ना कि कुछ लेना है इसके लिए। प्यार देना होता है, अपने आप आ जाता है। फिर शादी में प्यार देने के लिए शादी की जाती है, प्यार लेने के लिए नहीं। तो उद्देश्य ये होता है कि मैं लाइफ पार्टनर ऐसा देखूं जिसको मेरा प्यार चाहिए, जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, जिसको मैं पसंद हूं, है ना। तो मेरे प्रायोरिटी में मेरी पसंद तो होनी ही चाहिए, लेकिन मुझे अगर चार लड़कियां मेरे सामने हैं तो उसमें से वो लड़की होनी चाहिए कि जिसको मैं ज्यादा पसंद हूँ। चार में से किसको मैं ज्यादा पसंद हूँ उसके साथ में मैंने शादी करनी चाहिए। मुझको तो वो पहले प्रायोरिटी में ही है कि पसंद होनी चाहिए। चारों लड़कियां मेरी पसंद की है, उसमें कंपेरिजन अगर करना है तो जिसको मैं ज्यादा पसंद हूँ वो ज्यादा काम की है। और एक बात बता दूं, किसी ने मुझको पूछा था, शायद हम वो भी वीडियो अपलोड करेंगे। देखिएगा, शादी करते समय में आप चोला पहन लेते हो, शादी हो गई आपकी, लड़की की भी शादी हो गई। अब यहाँ से आपका शादीशुदा मतलब हस्बैंड होना या वाइफ होना, या हस्बैंड का रोल प्ले करना या वाइफ का रोल प्ले करना शुरुआत होती है। अब यहाँ पर दोनों भी नवसिखे हो, गलतियां दोनों भी करेंगे, तो दोनों की गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले, माफ करने वाले, रिस्पेक्ट के नजरिए से देखने का तरीका या नजरिया अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ऐसा हूं और तुम मेरी सब बातें मान लो, या मैं हूं ठीक हूं तुम ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं होता मित्रों, है ना। तो आप जब सामने वाले नौसिखे हो, ये बात समझ करके शादी करिएगा। आप पहली बार शादी कर रहे हो, नौसिखे हो, आपके साथ जो शादी कर रही है वो भी नौसिखी है, सीखने में समय जाएगा। 2-4-5 साल के बाद में सच्चे रूप में हस्बैंड वाइफ बनने लगोगे, और शायद 10-15-20 साल के बाद में सही हस्बैंड वाइफ बन जाओगे, जिसको कोई भी इमिटेट करना चाहेगा, आइडियल बनोगे तब 10 साल बाद में। तो ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप करिए शादी की जिसके साथ में आप 10 साल बाद में या 15 साल बाद में आइडियल व्यक्ति बनोगे, हस्बैंड आइडियल बनोगे, आइडियल पिता बनोगे, आइडियल भाई बनोगे, है ना। यस सर। ओंकार, इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ पूछना है क्या? लाइक जैसे मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। जैसे मैं यदि सोचता हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए, तो मेरी दो प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए लड़की, ना कि कुछ हवाबाजी में, लाइक मुझे दीपिका पादुकोण बनना है, मुझे कैटरीना कैफ बनना है, ऐसे सोचने वाली। एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको। एंड दूसरी प्रायोरिटी है कि शो ऑफ करने वाली नहीं चाहिए ज्यादा। ये मेरा पर्सनल मैं सोचता हूँ ऐसे। जैसे ऐसे भी आदित्य का भी जो सवाल उसने पूछा था कि लव मैरिज करना सही है, अरेंज मैरिज, आई थिंक ये थोड़ा टॉपिक डाइवर हो जाएगा शायद इससे, लेकिन इसके ऊपर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए। एंड ओंकार, आपको कुछ पूछना है आदित्य, लाइफ पार्टनर चुनने के बारे में। जैसे यदि लड़की प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या उसको चुनना सही है, या ओंकार कुछ है और माइंड में सवाल? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो देखिए जैसे मैं खुद बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला लड़का हूँ, तो फिर अगर आप वैसे देखा जाए तो मुझे भी प्रैक्टिकल थिंकिंग वाली लड़की पसंद है। बट फिर अगर हम डॉक्टर के ओपिनियन पे आएंगे, डॉक्टर साहब के, कि सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं भी प्रैक्टिकल सोचूंगा, वो भी प्रैक्टिकल, तो फिर वही मुझे अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन हाँ, यही थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, बाकी तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया है डॉक्टर साहब। आदित्य कुछ ऐड करना है? आई थिंक ऐसे कुछ अलग से ऐड नहीं करना है, उनका ने काफी रेलेवेंट क्वेरी ऐड किया तो जानना चाहूंगा उसको। डॉक्टर माधव राजे, तो मैं ऐड करना चाहूंगा, ये तो प्रैक्टिकल होना या थोड़ा शो ऑफ करने वाली लड़की, और एक जो कॉमन समस्या रहती है माइंड में, खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अभी तो कोई ऐसा इधर डायरेक्ट बोलता नहीं, लेकिन अभी पीछे बोलते कि इट्स वेरी रिस्की। तो क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेटेड ईगो रहता है खूबसूरत लड़कियों को, तो ये थोड़ा प्रिजुडिस हो सकता है। ये मैं बोलता नहीं कि ये सही है,
बट थोड़ा इन चीजों को भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए, जो पर्सनल ट्रेट्स है जो जिनके ऊपर हम सोचते हैं बच्चे शायद यहाँ डायरेक्ट कोई बोलेगा नहीं, तो एक तो प्रैक्टिकल वाली चीज कैसी देखनी चाहिए, एंड दूसरी एक खूबसूरत लड़की से शादी करने में क्या रिस्क है या नहीं है रिस्क लाइक मित्र देखो, किताब में लिखा है ये कि लड़के प्रैक्टिकल नहीं होते शादी में। शादी ब्याह के मामले अच्छा में लड़कियाँ प्रैक्टिकल होती है। शादी ब्याह के मामले में किताब में लिखा है लड़कियों या फीमेल, आप जो मुझको सुन रही है मुझको माफ़ करना, मैं ये कोई डेरोगेटरी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किताब में लिखा है महिलाओं और लड़कियों जो आप मुझको सुन रही हो, ऐसा लिखा है किताब में कि लड़कियां शादी करने के पहले ये जानना चाहती है, ये मालूम करना चाहती है, उनका फोकस यहाँ रहता है कि लड़का कमाता कितना है और जिंदगी भर कितना कमाएगा। तो ये है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। लड़के जब शादी करते हैं तो लड़की कितनी कमाती है ये सोचते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये मेरी बात कितनी मानेगी, और उसको वो कहते हैं ये प्रैक्टिकल नेचर है। लेकिन लड़की आपकी बात कितनी मानेंगी ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है मित्रों। प्रैक्टिकल का मतलब होता है पैसा, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहार, प्रैक्टिकल का मतलब होता है लेन देन। शादी ये लेन देन का मामला नहीं है। शादी शादी में लेन देन से कुछ नहीं मिलने वाला। जहां लेन देन की बात शादी में आएगी वहां टकराव ज्यादा आएगा, वहां जोड़ नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं होगी। बॉन्डिंग जहां होती है वहां सेक्रीफाइस होता है, बॉन्डिंग जहां होती है वहां ओवर डूइंग होता है, बॉन्डिंग जहां होती है वहां पर मेरा मेरा तेरा तेरा नहीं होता, जो तेरा है मेरा भी है, ये होता है। और ये समझने के लिए अगर आपको लड़की के साथ में बात करके अगर बात मान मन नहीं भर रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लड़की के माँ को देखिएगा, लड़की के माँ का नेचर क्या है देखिएगा। क्योंकि तो सिगमंड फ्रायड ने ये कहा है कि जो भी लड़की से आप शादी करोगे वो लड़की सोचती है उसके पिताजी जैसा, और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो लड़की बिहेव करना चाहती है उसके माँ जैसा, प्रोवाइडेड उसकी माँ और लड़की का करियर या बहुत ज़्यादा तफावत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ कम से पढ़ी लिखी होती है या उनका हाउसवाइफ होती है और लड़की पढ़े लिख करके बड़ी होती है, करियर ओरिएंटेड होती है, तो फिर उस लड़की के लिए माँ आइडियल नहीं होती, तो फिर उसमें थोड़ी बात बदल जाती है। लेकिन आमतौर पर ये इन जनरल बात बता रहा हूँ मैं, तो लड़की सोचती है पिताजी जैसे और लड़की बिहेव करती है माँ जैसा, ठीक है ना। और इसीलिए बहुत बार लड़की शादी होने के बाद में अपनी माँ के साथ में बहुत कनेक्टेड रहती है, क्योंकि उन दोनों का बिहेवियर बहुत सिमिलर होता है, तो उसको उन दोनों को कनेक्ट होने से स्ट्रेंथ मिलती है, उन दोनों को कनेक्ट होने से उनका बॉन्डिंग बढ़ता है। तो ये लड़कियों का जो बॉन्डिंग है या सारे महिलाओं का एक मेक के साथ में कनेक्ट होने का बॉन्डिंग जो है वो आमतौर पर मेल में नहीं रहता, ये सीखने की जरूरत है उनके साथ में रह करके। क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है या कोई क्वेश्चन या कोई शंका आपके मन में अभी भी पनप रही है? नहीं नहीं सर ठीक है, बट प्रैक्टिकल का मतलब आई मीन कि जैसे मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल देना चाहूंगा तो प्रैक्टिकल का मतलब है लाइक ये थोड़ा इन्फ्लेटेड या एग्जांपल हो सकता है, एग्जैगरेटेड बोलना चाहूंगा मैं, यदि लड़की ऐसी मिले इम्प्रैक्टिकल का मतलब कि वो हर दिन बोले होटल में चलो खाना खाने, लाइक दिस इज द केस आई एम सेइंग कि ये इम्प्रैक्टिकल है, लाइक ये कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन के मामले में, आगे जाके बच्चे हो गए उनके बारे में प्रैक्टिकल डिसीजन, लाइक कुछ लड़कियां रहती ना, जैसे एक वीडियो में हमने एग्जांपल दिया है कि वो लड़की कमेंट करती है ट्विटर में कि मुझे नहीं लगता कि किसी के पैर छूना सही बात है, लेकिन हमारे रिलीजन में या हमारे जो ट्रेडिशन में पैर छूना एक संस्कार का भाग माना जाता है। तो बस इम्प्रैक्टिकल का मतलब ये कहना चाहूंगा कि 2 मिनट पैर छूने से कोई वो छोटी नहीं होने वाली, तो उस केस में यदि ये सोचेगी वो वैसा सोचने वाली होगी कि मैं पैर छूंगी नहीं कुछ भी हो जाए, तो दिस इज रिस्की, ये मेरा पर्सनल है। तो मैं बस इस कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल पूछना चाहता था कि ये प्रैक्टिकल सोचने वाली थोड़ी लड़की चाहिए लाइक। उसको कहते हैं एडजस्टमेंट करने वाली। अच्छा एडजस्टमेंट हाँ, तो वो कितनी एडजस्टमेंट करना चाहती है ये आप लड़की के माँ की तरफ देख करके समझ लीजिए, अच्छा ठीक है ना। वैसे एडजस्टमेंट कौन कितनी करने वाली है ये जब आप बात करते हो तो इमिडिएटली पहले 10 मिनट में मालूम पड़ जाता है कौन सुनने वाले हैं, वो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते,
जो सुनने वाले नहीं है अपनी ही बात सामने रखना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अपना पॉइंट, अपना एजेंडा सामने बढ़ा रहे हैं। तो आपको इमीडिएटली पहले ही मीटिंग में मालूम पड़ जाता है या दो मीटिंग में मालूम पड़ जाता है कि एडजस्टमेंट कितनी बनेगी, और आपका जो माइंड का कंसेप्ट है, माइंड जो आपको क्यू देती है, वो क्यू को लेकर के चलिएगा। अगर आपने एक बार मुलाकात कर लिया तो घर में आने के बाद में 2-3 दिन तक के ये सोचते रहिएगा कि आपने उनके साथ में शादी कर लिया, करने के पहले, हाँ बोलने के पहले सोचिए वैसे। और 2-3 दिन के बाद में खुद का आपका माइंड आपको बताएगा कि आप कंफर्ट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर गए 3 दिन में आपने अगर कंफर्ट फील किया तो समझिएगा आपका डिसीजन शायद सही होगा। कंफर्ट फील अगर नहीं किया आपने, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपकी नींद उड़ गई है, आपको बहुत चिंता हो रही है, तो समझिएगा शायद आप पेयरिंग बराबर नहीं कर रहे हो। तो ये पेयरिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको आपके इंट्यूशन से जाना पड़ेगा मित्रों। और इंट्यूशन 100% करेक्ट हो सकता है या 100% रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्की होता है। इसीलिए बड़े लोगों को इन्वॉल्व करिएगा, मित्रों को इन्वॉल्व करिएगा, बैकग्राउंड देखिएगा, माता पिता देखिएगा, वो लड़के का लड़की का IQ कितना है देखिएगा, उनके अचीवमेंट कितने हैं, एकेडमिक सेंस क्या है ये देखिएगा, उनके लाइफ के टारगेट्स क्या है, लाइफ के एम क्या है देखिएगा, है ना। आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके न्यूक्लियर फैमिली चलती है नहीं चलती है ये पूछिएगा। इन सब बातों का माहौल, इन सब बातों को मद्देनजर रख करके आखिरी डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है ना। ओके ओंकार, कुछ पूछना है स्पेसिफिक? नहीं सुशील सर, एक्चुअली डॉक्टर माधव राजे ने जो अभी पॉइंट्स बताए एंड में, वो मुझे बहुत रिलेवेंट लग रहे हैं और बहुत स्ट्राइकिंग भी है। तो आई थिंक मुझे जो आंसर चाहिए था वो ऑलमोस्ट आई एम देयर। अच्छा सर, तो मैं ये सवाल पूछ लेता अभी उसमें एडिशन में, आपने जो बताया कि करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लाइक कैसे डिसीजन, लेकिन एग्जैक्टली ये पूछना है कि ज्यादा करियर ओरिएंटेड चुने या कम करियर ओरिएंटेड चुने, एग्जैक्टली क्या बात है। अभी एक सवाल रह गया कि खूबसूरत लड़की चुननी चाहिए नहीं चुननी चाहिए, और आदित्य ने एक सवाल पूछा था, हालांकि आप लास्ट में बता दोगे तो बेटर रहेगा जब एंड करेंगे हम उसको, लव मैरिज करना चाहिए अरेंज मैरिज करना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी कमेंट की तो भी चलेगा। तो डॉक्टर माधोराजे प्लीज इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ओके, करियर थोड़ा या बड़ा ये तो करियर होता नहीं है। आमतौर पे शादी करते समय में दो व्यक्ति जो है शादी शादी करने वाले, उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए शादी के बाद में, करियर इंपॉर्टेंट रहेगा या शादी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर शादी इंपॉर्टेंट है तो दोनों मिलकर के कोई डिसीजन लेंगे, अगर करियर इंपॉर्टेंट है तो सब्जेक्टिव अलग अलग डिसीजन है। हस्बैंड का करियर अलग है, वाइफ के करियर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, वाइफ का करियर अलग है, हस्बैंड के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन शादी में दोनों जुड़े हुए हैं, शादी जुड़ी हुई है, शादी एक संयुक्तिक बाग है। तो ये बगिया बगीचा को अगर आपको फुलाना है तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करियर को फुलाने के लिए खिलाने के लिए आपको दोनों की सहायता नहीं रहती, एक का पैसिव सपोर्ट लगता है और एक को एक्टिवली काम करना पड़ता है। तो अगर आपको करियर बड़ा करना है तो किसी न किसी को पैसिवली सपोर्ट करना होगा, और वैसी अगर परिस्थिति है तो आप सपोर्ट करिएगा या कर सकते हो, अगर वैसी परिस्थिति नहीं है तो आप वैसा सपोर्ट शायद नहीं कर पाओगे, ये उसका आंसर है। ओके, खूबसूरत लड़की के बारे में जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन सबको लगता है, मुझको ऐसा लगता है। नहीं, ये सवाल पूछने का मकसद लाइक कोई ऐसा अभी बोलेगा नहीं, लेकिन इन द फ्रंट ऑफ द वीडियो, बट पीछे ऐसी बातें चलती है लाइक यार इट्स वेरी रिस्की, लाइक इस टाइप से थोड़ी बात होती है बच्चों में, बॉयज में, तो इसीलिए मैं बस ये सवाल पूछा आपसे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मेरे किसी सीनियर ने भी ऐसा कहा था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण ऐसा है मित्रों, क्योंकि सारी खूबसूरत लड़कियों को एक इनसिक्योरिटी रहती है, सारे लड़कियों को एक फियर पॉइंट रहता है, और खूबसूरत लड़कियों को जरा ज्यादा रहता है। हाँ, ये बात होती है कि खूबसूरत लड़कियों को या कोई भी लड़की को प्रशंसा करने वाला, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला लड़का लगते रहता है, हस्बैंड लगते रहता है। तो अगर आप खूबसूरत लड़के से शादी कर रहे हैं तो कोई आप बहुत बड़ा मतलब सेक्रीफाइस करोगे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, या कुछ बहुत बड़ा धोखा आपके ऊपर में आएगा ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं है। हालांकि खूबसूरत लड़के के साथ में शादी करने का एकमेव कारण ये हो सकता है मेरी नज़र में, कि आपके बच्चे खूबसूरत निकलेंगे। तो खूबसूरत लड़की के साथ में शादी करने का, अगर आप अपने खूबसूरत बच्चे चाहते हो तो खूबसूरत लड़की के साथ शादी करिएगा, जरूर करिएगा, लेकिन ये देखिएगा कि वो स्कोर कितना करती है परीक्षा में, और वो कितनी एडमेंट है या कितनी लचीलापन है उसके विचारों में, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है,
ये मुहावरा देखिएगा, आपको पता है मेरे बचपन में ये मुहावरा था, फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल। तो ये मुहावरा हमने चेंज कर दिया मेरे जवानी में, जब मैं 25-30 साल का था तब, और हमने वो उस मुहावरे को बदल दिया और हमने ये बोला फ्लेक्सिबल फ्लरिशेस। तो ये देखिएगा कि आप फ्लरिश होना चाहते हो, आपकी वाइफ अगर फ्लरिश होना चाहती है, खूबसूरत है वाइफ, लेकिन क्या वो फ्लरिश होना चाहती है? अगर वो फ्लरिश होना चाहती है तो उसे फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, और अगर उसे मंजूर है तो खूबसूरती आपको गले लगाने में कोई हरकत नहीं। लव यस सर, मैरिज हाँ या यस, अरेंज हो, लास्ट आदित्य का सवाल था लास्ट। मैरिज लव रहे या अरेंज रहे, दोनों में लव का होना बहुत जरूरी है। लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर लव रहेगा। अरेंज मैरिज का मतलब ये नहीं है कि लव पैदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। मित्रों, ऐसा है कि जब आप साथ में रहते हो किसी के लिए, तो किसी के लिए कुछ करते हो, जब तक कि आपके मन में ये विचार नहीं रहेगा कि मैं अपने वाइफ के लिए कुछ करूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूं, जब तक कि ये विचार नहीं रहेगा तब तक के मैरिज सक्सेसफुल होना मुश्किल है। फिर वो चाहे लव मैरिज रहे या अरेंज मैरिज रहे, ये पहली बात। दूसरी बात, लव मैरिज में बहुत बार फैमिली सपोर्ट नहीं रहता, लव मैरिज में बहुत बार सोशल सपोर्ट नहीं रहता, इसलिए वो रिस्क में जाते हैं अगर वो टर्बुलेंट वाटर में जाए तो। अरेंज मैरिज में फैमिली सपोर्ट रहता है, अरेंज मैरिज में सोशल सपोर्ट रहता है, इसीलिए वो टर्बुलेंट वाटर में जाएंगे तब भी वो रिस्क कम एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी जोड़ी बनाने वाले लोग ज्यादा रिस्क वाले उठाते हैं, या वो बोलते हैं ना, वो जो इम्पैक्ट गिरता है, वो इम्पैक्ट जोड़ी बनाने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा आता है, तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर में कम इम्पैक्ट आता है। तो उनको सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत मिलता है। तो ये निर्भर होता है कि आप जिसके साथ में लव मैरिज कर रहे हो, कि आपके पास में फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट है या नहीं है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट इकट्ठा करिएगा, सोशल सपोर्ट इकट्ठा करिएगा, इट इज एज गुड एज अरेंज मैरिज। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो उसमें लव डालिएगा मैरिज के पहले बात ही करिएगा, है ना। पुणे में ईडन गार्डन में घूमने, पुणे के गार्डन में घूमने जाइएगा, है ना, तो बात बनेगी। क्योंकि तो मैरिज के पहले आपने लव डाल दिया तो भाई वो अरेंज मैरिज है, लेकिन लव के जैसा हो गया, है ना। मतलब जो यस आइसक्रीम है वो आइसक्रीम में आप फ्लेवर डाल दीजिएगा, दो दो फ्लेवर एक साथ में आ जाएंगे। ओंकार, कुछ सवाल बचे हैं या? आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हो गया है, तो तो गुड टू आई गो। थिंक डॉक्टर माधव जी, थैंक यू सो मच जो आपने गाइडेंस किया है, पर्टिकुलरली लाइफ पार्टनर कैसे चुने, इस टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल टॉपिक है, ऐसा कोई इसका आंसर ये सही या गलत इस तरह से आंसर होगा नहीं, सब्जेक्टिव चीज़ें भी रहेगी इसमें, आपको आपका सही क्या कंसर्न है। कुछ लोगों का ये भी क्राइटेरिया रह सकता है कि कैसे भी लड़की हो मुझे चलेगी, बस खूबसूरत हो तो काम चलेगा तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉर जनरल पब्लिक की लाइक डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच ओंकार फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू आदित्य। सो थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।